का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। पांच फरवरी को यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करने जा रही है। योगी सरकार अपना आठवां बजट पेश करेगी और उम्मीद है कि इस बजट के जरिए यूपी के विकास को नए पंख लगेंगे। माना जा रहा है कि बजट यूपी के विकास की रफ्तार में ईंधन का काम करेगा, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक बजट होगा। बजट 7.70 लाख करोड़ रहने का अनुमान। किसानों, युवाओं, महिलाओं पर फोकस, अयोध्या, काशी, मथुरा के विकास पर जोर, नए औद्योगिक गलियारों का ऐलान संभव। बजट में लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना, गोरखपुर वाराणसी प्रयागराज मेट्रो के लिए धनराशि, प्रस्तावित एक्सप्रेसवे योजनाओं पर नजर। मेरा मानना है कि पहले से ही जो यूपी की आर्थिक तस्वीर बदल रही है लगातार, उस बदलाव को और ज्यादा तेज करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और इसमें खासतौर पर $1 ट्रिलियन के बराबर जो यूपी की अर्थव्यवस्था को 2027 तक बनाना है उस पर जोर होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2023 में 6.90 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया था। इस बार माना जा रहा है कि इसमें करीब 15% का इजाफा हो सकता है। साल 2022-23 में 5.85 लाख करोड़ का बजट, साल 2023-24 में 6.90 हजार करोड़ का बजट, लगभग 1.05 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। टैक्स रेवेन्यू 34 हजार करोड़ रुपए बढ़ने का अनुमान। 24-25 में 7.65 लाख करोड़ के बजट का अनुमान, लगभग 75 हजार करोड़ का इजाफा। इस बार के बजट में राम मंदिर के लोकार्पण के बाद हो रहे सत्र में अयोध्या के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों को लेकर सरकार की योजनाओं को खास तौर पर जगह मिलने की उम्मीद है। बजट से यूपी के विकास की योजनाओं को भी नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार राजस्व बचत की स्थिति रही है, विशेष रूप में योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान, तो उसे बनाए रखा जाएगा। ये कह सकते हैं कि राजस्व घाटे को नियंत्रित करके राजस्व बचत की स्थिति को बनाए रखा जाएगा। सीएम योगी कह चुके हैं कि 2027 तक उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा और यूपी में साल दर साल बजट का आकार बढ़ रहा है। बंपर निवेश और